इधर हम जो पहुंचे हैं ना, आसान नहीं पहुंचे, बड़ी मुश्किल से पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग जो है झेलम के पहाड़ों में है। मेरा काफ़ी अरसे से नॉर्थ का टूर जो है बनता बनता कैंसिल हो जाता था, इसलिए अपना दिल बहलाने के लिए झेलम के पहाड़ों में आए हैं। सो आपको वो उस टॉप पे लेके जाएंगे। वीडियो पर अगर आप आ ही गए हैं तो उसको लास्ट तक देखिएगा, स्टे ट्यून्ड। ये पहाड़, ये वादियाँ कुछ तो बताती हैं, इंसान के अंदर जैसे समो सी जाती हैं। मैं हूँ मेरा कैमरा और ये लैंडस्केप। सो जनाब, हम टॉप पर पहुँच आए हैं और बहुत ही प्यारा व्यू है इस वक्त। जो आंखों को नज़ारा मिल रहा है, कैमरे की आंख सिर्फ उसका 50% कैप्चर कर रही है और बहुत ही कमाल व्यू है। The calmness of this place always surprises me, reminds me of how small our worries and problems are. We just need to move on with the flow. So जनाब, वो नीचे जो आपको नजर आ रहा है तालाब, देखते हैं उसके पास जाते हैं, देखते हैं उसकी खूबसूरती। दोबारा नीचे जा रहे हैं उस खूबसूरत तालाब का व्यू करने। काफी मुश्किल सा रास्ता है ये, कांटों वाला रास्ता है। सो गाइस, फाइनली हम हाइट से नीचे आ चुके हैं और ये खूबसूरत तालाब का नज़ारा आपके सामने है। प्यारा व्यू है काफ़ी। तो तालाब से ऊपर अगली हाइट की तरफ चढ़े हैं, वहां के भी आपको सीन्स दिखाते हैं। सो जय भाई, वो दिखाएं इनको कि उस पीक से हम तालाब से गुजर के फाइनली यहां तक आ चुके हैं इस पीक पे, और बहुत ही कमाल के नजारे हैं। तो आपने जेलस नहीं होना, आप भी आ सकते हैं इन माउंटेन्स पे और बहुत ही खूबसूरत व्यू हासिल कर सकते हैं। कुछ तो है जो हमेशा याद दिलाता है why I am here and most importantly why I am alive। तो जो भी इस खूबसूरत मंजर को देखना चाहता है अपनी आंखों से, इन हसीन नज़ारों को, वो झेलम में जीटी रोड से आए और कोट काला वाली रोड पकड़े और वहाँ से किसी से भी पूछ ले। सो अगर फिर भी आपको समझ नहीं लगती तो यहाँ पे कहीं पे मेरा इंस्टा का आईडी आ रही होगी, वहाँ से आप मुझे पूछ सकते हैं। सो जस्ट गो आउट, इंजॉय द नेचर एंड ट्राई टू कैप्चर इट विद योर कैमरा।